तो फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। भाईजान यानी कि सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल, स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड डॉन पर। जिस तरह से ट्रेलर निकलकर आया है उसे देखने के बाद जितनी कहानी समझ में आती है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का मूवी का नाम है उसके अकॉर्डिंग ही कहानी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से मूवी का नाम है किसी का भाई किसी की जान, तो ये कहानी एक फैमिली बेस्ड कहानी है। तो जैसे ही ट्रेलर की शुरुआत होती है तो हमें सबसे पहले एक रोमांटिक एंगल दिखाया जाता है जिसमें कि पूजा हेगड़े और सलमान खान की लव स्टोरी की शुरुआत दिखाई जाती है। उसके बाद फिर फैमिली ड्रामा स्टार्ट होता है जिसमें कि पूजा हेगड़े की फैमिली शामिल होती है। हालांकि पूरे ट्रेलर में कहीं भी सलमान खान की फैमिली के बारे में बात नहीं की गई है। वहीं साथ ही में पूजा हेगड़े की फैमिली में उनके भाई को इंट्रोड्यूस कराया गया है जो कि वेंकटेश है, और वेंकटेश एक अहिंसावादी आदमी होता है। लेकिन उसके बाद में एंट्री होती है विलन की। विलन के तौर पर जगपति बाबू हमें दिखाई देते हैं, और जगपति बाबू पहले से ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही रुतबा रखते हैं विलन के तौर पर। जब उनकी एंट्री होती है तो उनके साथ में एक अलग ही टेंशन दिखाई देता है। तो जगपति बाबू की एंट्री से ये कहा जा सकता है कि इस बार सलमान खान को विलन उनकी टक्कर का और बराबरी का मजबूत मिलने वाला है। लेकिन उसके बाद फिर सलमान खान का एकदम से रूप बदल जाता है। वहाँ बड़े बालों से छोटे बालों में आ जाते हैं और वो भी एक्शन अवतार में नजर आने लगते हैं। मतलब पहले जो आदमी मस्त मौला दिखाई देता है, एक दूसरे में प्यार बांटने की कोशिश करता है, कुछ कुछ जगहों पर कॉमेडी भी करता दिखाई देता है, फिर वहाँ एकदम से एक्शन अवतार में आ जाता है। सर, पूजा हेगड़े की फैमिली के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी बुनी गई है। पूजा हेगड़े की फैमिली की शायद कोई पुरानी दुश्मनी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि ट्रेलर को देखने के बाद फिल्म की पूरी कहानी को प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान हो गया है। यहाँ कहा जा सकता है कि 3 मिनट के इस ट्रेलर में कहानी पूरी तरह से रिवील कर दी गई है। मतलब कुल मिलाकर ये एक फैमिली एंटरटेनिंग मूवी निकलकर सामने आने वाली है जिसमें कि थोड़ा थोड़ा सारा कुछ डाला गया है। थोड़ा सा लव एंगल है, थोड़ा सा कॉमेडी वाला है, थोड़ा सा ड्रामा है, और फिर बहुत सारा एक्शन भी है। लास्ट के 25 से 30 सेकंड में जो एक्शन हमें दिखाई देता है वो एक्शन पूरे ट्रेलर की कमी को पूरी कर देता है। हालांकि स्टार्टिंग में ट्रेलर थोड़ा सा बेजान दिखाई देता है। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो मुझे तो ये ट्रेलर उस तरीके का नहीं दिखाई दिया जिस तरीके का हमें सलमान खान से एक्सपेक्टेशंस थी। आप लोगों की क्या है राय इस ट्रेलर के बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।